अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ मैं खैरियत से आएंगे। काफ़ी टाइम तक वीडियो नहीं आ रही थी। अभी से मैं जा रहा था बैरियर टाउन, तो मैंने देखा सिल्वर मैन खड़े हुए थे। मैंने कहा चलें कि साथ वीडियो बना लूँ। बिल्कुल देखें कितना ज़बरदस्त टैलेंट है। उन्हें पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर कोई सपोर्ट करें उसका लगता है कि कोई मुजस्मा खड़ा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल सीरियस फ्रेंड से भी आप दिखाते हैं। बिल्कुल ये कहे तो उनके गेट वन के बिल्कुल सामने खड़े हैं। देखें बिल्कुल फ्रंट से भी देखें, उसका लगता है कि बिल्कुल मुजस्मा का खड़ा हुआ। देखें कोई ईमान नहीं, और घंटे घंटे इसी तरह खड़ा होना, ये होता है पाकिस्तान का असल टैलेंट। लेकिन पाकिस्तान में कहते हैं जिसके पास टैलेंट है उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। कहते हैं आप क्या नाम है आपका? शहरयार। शहरयार भाई, मैं तो जा रहा था इधर से बैरियर रोड, तो माइक वगैरह मैं नहीं लेके आया। मैंने कहा चलें थोड़ी सी आपकी वीडियो बना लेते हैं। तो आप कब से आए, कब से कर रहे हैं? 6 मंथ हो, 6 मंथ हो गए। तो इधर बैरियर टाउन के गेट के साथ ही खड़े होते हैं जी सर। रिस्पॉन्स जो है ना, मतलब आप जो बात करें तो सुन रहे हैं आपका, मतलब कि टैलेंट की कदर नहीं है बस। सही बात है, वो तो आप देख रहे हैं ना इस्लामाबाद में जिस तरह गोल्डन मैन खड़े होते हैं, तो उस तरह कहते हैं कि लोग आते हैं, पैसे भी देते हैं, लेकिन अब गालियाँ भी देते हैं। तो उस तरह रिस्पॉन्स आपको गलत बोलना नहीं आता आपको? मुझे एक अभी गालियाँ वगैरह नहीं देते, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी टाइम की ना। सही बात है, यहाँ पे लोग आते हैं ये इसी तरह खड़े होते हैं, और लोग पैसे उन्होंने कुछ नहीं रखा और पैसे रख के लोग को भी देते हैं। यह बात तय करने की कि पाकिस्तान में जो टैलेंट टैलेंट की कदर नहीं है। तो आप कितने टाइम से ये इतना मुश्किल से ये खड़े हो जाते हैं? 2-3 घंटे, इतने घंटे, इतने मुश्किल से 4 घंटे मैं हो गया था खड़ा। ये कि मेरी प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस हो गई है, और इसमें तो आपका बड़ा खर्चा आ जाता होगा। जो आप सीधे ज़्यादा बैठे वगैरह ये मारते हैं अपने, उनका स्प्रे मारते हैं आप? नहीं नहीं, ये मेकअप होता है, इसमें मेकअप होता है और कपड़ा जाना है दोस्तों। देखा आपने कितनी अच्छी वीडियो भाई बनी भाई की, ठीक है, फाइनली उन्होंने एंड कर दी है। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि भाई को सपोर्ट करो, और जितना हो सके सिल्वर मैन को भी सपोर्ट करो। आप लोगों का थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।